और दीवाने है दीवानों को ना घर चाहिए ना दर चाहिए, मोहब्बत भरी नजर चाहिए, नजर चाहिए। जमींदार भूपेंद्र सिंह और उन्हीं का एक दोस्त है जो बनारस में रहता है, जिसका नाम है ठाकुर समर सिंह, और तुम्हारे पिताजी का एक नौकर है जिसे लोग कहते हैं लाला कुंज बिहारी। इन तीनों लोगों ने मिलकर के मेरे मालिक का खून किया था, यही तुम्हारे बड़े बाप का। और मेरी गोद में धर्म सिंह और मेरी बेटी रश्मि थी, तो हमने देखा तो कहा जा रहा हूँ थाने तुम लोगों के खिलाफ, या FIR दर्ज करवाऊंगा। तो दोनों बच्चों को छीन लिया और कहा कि खून का इल्जाम, अपने मालिक का खून का इल्जाम तुम्हें लेना होगा, नहीं तो तुम्हारे दोनों बच्चों को खत्म कर देंगे। दोनों बच्चों को बचाने के लिए अपने मालिक के खून का इल्जाम अपने सर ले लिया, जिसकी 20 साल की सजा कर चुका हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आपने ही मुझे रिहा किया था। श्याबू, तुम्हारे कहने का मतलब कि मेरे बड़े बाप का मर्डर करने वाला कोई और नहीं बल्कि अपना ही खून है। हाँ सच है, हमारे पिताजी और उनका दोस्त समर सिंह और लाला मुनीम, हाँ तीन लोगों ने किया, तीन लोगों ने मिलकर उनका मर्डर कर दिया। हाँ इस बच्चे साहब, और उस खून के इल्जाम में तुम्हें जेल में डलवा दिया। हाँ मुझे 20 साल की सजा पूरी होने के बाद तुम वापस आए। हाँ इस बच्चे साहब, श्यामू मेरा भी एक वादा है, मेरा भी एक वादा है कि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनके हाथों में हथकड़ी हम जरूर लगाएंगे और उन्हें खींच कर थाने तक जरूर ले जाएंगे। ठीक है, ये मेरा वादा है। लेकिन इससे पहले मैं जाना होगा कि मेरा भाई धर्म अगर कोई गलत रास्ता अपनाए उसे रोकना होगा, मुझे जाकर उसे रोकना चाहिए। बिल्कुल, अगर वो अपराध की दुनिया में कदम रख देगा तो पुलिस उसके रातों दिन पीछे करती रहेगी और पुलिस की वजह से भागता रहेगा। सच कहते हो। धर्म मेरे भाई, हम तुम्हें कोई रास्ता ऐसा नहीं अपनाने देंगे, कोई रास्ता नहीं धर्म से। ये वीर सिंह हमारा रास्ता नहीं छोड़ेगा, ये मेरा पीछा करता ही जा रहा है और मैं इस पे गोली इसलिए नहीं चला रहा हूँ क्योंकि ये मेरे चाचा का लड़का है, मैं इस पे गोली नहीं चलाऊंगा। वापस चले जाओ मैं कहता हूँ, नहीं तो तुम समझ लो अगर तुम्हारे रिवॉल्वर से गोली निकलेगी तो मेरे से फूल नहीं निकलेगा। वीर सिंह वापस रुक जा मेरे भाई, रुक जा मेरे भाई, तू भाग नहीं सकता। तेरे कहने का मतलब कि तेरे में ज्वाला भड़क रही है और तुझे इंसाफ दिलाऊंगा, मेरा वादा है। आ मेरे पास मेरे भाई, अपने भाई पर विश्वास कर अपने भाई पर। धर्म ये तुम्हारी भूल है, क्या तेरा भाई तुझे इंसाफ नहीं दिला सकता है क्या? एक बार अपने भाई के पास आ, देख धर्म, एक बार अपने भाई के पास आ धर्म। धर्म धर्म अगर तू नहीं आएगा, अगर तू नहीं आएगा तो मुझे गोली चलाने पर मजबूर मत कर धर्म। धर्म किस कानून की दुहाई देते हो इंस्पेक्टर? अगर तुम्हारा कानून इतना ही पक्का था तो जिस वक्त अमर सिंह का खून हुआ उस वक्त कहां था तुम्हारा कानून? अरे जिस वक्त श्यामू किस मालिक को 20 साल की सजा कर दी गई, अरे वो तुम्हारी अदालत जहां पे इंसाफ होता है वहां पे ना इंसाफी हुई, कहां था तुम्हारा कानून? और आज कहते हो मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूं, तो कर दूंगा लेकिन आज नहीं, जिस दिन मैं अपने बाप के कातिलों का बदला ले लूंगा अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। धर्म तू मुझे गोली मारना चाहता है, मार दे गोली, लेकिन मेरी बात सुन, तू अपने आप को कानून के हवाले क्यों नहीं कर देता मेरे भाई? शायद तुझे मालूम होना चाहिए कि कानून वो चीज होता है ना ही तो अपने बाप को ना ही तो अपने भाई को कभी माफ करता है। और इस समय तुम कानून की नजरों में एक मुलजिम हो, वो भी 302 के मुलजिम। जानता हूं मैं, इसीलिए तो कहता हूं तुम्हारा कानून क्या है? तुम्हारा कानून, मैंने जिसका मर्डर नहीं किया उसका केस हमारे ऊपर है, और जब मर्डर अब करूंगा अगर चाहो तो उसका केस मेरे ऊपर नहीं आएगा।
तुम्हारा कानून एक खिलौना है खिलौना। और ये ब्रिगेडियर धर्म सिंह का वादा है, आज तेरे हाथ तो नहीं आऊंगा, लेकिन एक दिन तेरे हाथों से हथकड़ी पहनूंगा। मैं जा रहा हूँ धर्म, जा रहा हूँ पेट से। धर्म धर्म तू नहीं जा सकता है धर्म, रुक जा धर्म, मुझे मजबूर मत कर धर्म, मजबूर मत कर धर्म। मेरे भाई मैं जानता हूँ धर्म, जिस बाप का बेटा माँ का प्यार ना पाया हो, अपने प्यार के लिए तरसता हो, तो उसका बेटा यही करेगा। धर्म मैं तेरी मजबूरी को समझता हूं, लेकिन मेरे भाई तू ऐसा रास्ता मत अपना ताकि तेरे भाई को तकलीफ हो। भाई धर्म और भाई भाई मैं अक्सर ये होता है भाई भाई मैं अक्सर ये होता है, दर्द मुझे होता है। चोट तुझे लागे तो दर्द मुझे होता है, आग तेरी छलके तो दर्द मुझे होता है। भाई भाई ये अक्सर ये होता है, ये होता है, ये होता है। मैं जानता हूं मेरे भाई तू मुझे वापस ले जाना चाहता है, लेकिन कहा, अरे तू नहीं जानता ये संसार बड़ा जालिम है मेरे भाई, हर कदम पर कोई ना कोई कातिल है। और आज ये ब्रिगेडियर धर्म सिंह उन कातिलों को उनकी किए की सजा देगा। और हर कदम पर कोई कातिल है, कहां जाए कोई, हर कदम पर कोई कातिल है, कहां जाए कोई। जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहां जाए कोई रखता है मंजिल है, कहां जाए कोई। शमर सिंह मैं आ रहा हूं अपनी चौपाल को, रही बात पिताजी की तो कसम है इस वर्दी की, अगर मैं उनके हाथों में हथकड़ी नहीं लगाया तो मैं वापस अपने घर को नहीं कभी आऊंगा। पिताजी मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास, शाबाश। समर्थन कहो मेरे यार। अरे मेरा दोस्त सारे काटे हट गए। सही कह रहे हो, अरे दोस्त लाला कुंज बिहारी को हमने खत्म कर दिया। और जानते हो वो जो लाला कुंज बिहारी की लड़की काजल है ना, वो धर्मुआ के पीछे हाथ धोके पड़ी है। यदि ये बात है तो जिस वक्त साले धर्मुआ के हम और तुम गोली मारेंगे, साले हम यहाँ पर तुम्हारी सबकी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। इस समय
इस समय पहले यह हथकड़ी और मेरे साथ चलो। चलो और क्या, कहां थाने। माय गॉड, समर सिंह इसे नहीं जानते हो? नहीं जानते हो? कौन है? ये वही वही मेरा बेटा जिसे तुम कहा करते थे। ये तो शक्ल और सूरत में बहुत अच्छा है। अरे बीर सिंह है, बीर सिंह हमारा लौंडा। अच्छा अच्छा, जिसने उस दिन हमारी पिटाई की थी। आए बात करता है, किस भतीजे की बात करता है? नहीं कोई ऐसी बात है। अरे इसे समझाने तो दो, तुम्हें नहीं मालूम नए नए जूते भी पैर में काटते हैं। ये नया पुलिस इंस्पेक्टर बन के आया। बीर सिंह क्या कहना चाहते हो ये बताओ। तेरी यही पढ़ाई है, यही लिखाई, यही नसीहत है, तुम इसे नहीं जानते? मैं जानता हूं कि मुजरिमों के साथ में किस तरीके से पेश आना चाहिए। ये मेरे जिगर का टुकड़ा जिसे लोग कहते हैं बचपन का मित्र, ये मेरा दोस्त समर सिंह है। एक तो बर्दाश्त कर लिया, मेरे सामने मेरे दोस्त के ऊपर हाथ उठा दिया। मेरी बात को सुनो, क्या कहना चाहते हो? जरा कानों में उंगली डाल के सुनना, तेरे बाप के कुछ ऐसे बात है तो केस कैसा लगे? अरे पता बेशरम क्या? और पता बेशरम जैसे से आया बनाने है बंदी है, साफ लग जो मीज है। अरे पता दीजिए कति किसका लगा है तो कौन तुमने किया? और बड़े भाई कहे फूल तुमने किया? और अपने भाई कहे फिर भी कहते हम तो मालूम नहीं, साथ मिलकर के सब फूल उनका किया। सच बताओ हमें, सच बताओ हमें, दया तुझको और बता बीर सिंह। बता किस हरामजादे ने तुझे बहकाया है? तू पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी पाते हैं, किसने तुझे झूठी और सच्ची लगाया है? और किसने बहकाया तुझको? बता बीर सिंह सच कहते हुए शर्म बाप को तो बताता और कतलो खुदा लग रहा है। वर्दी पाने के बाद तुझे कोई सपना हो चुका है। वर्दी पाने से पहले इसकी सलाह दिलाई जाती है, और जिस वक्त ये वर्दी शरीर पर आ जाती है उस समय हम जैसे जवान को क्या करना चाहिए? देश की रक्षा। और ये वर्दी देश की आन व मान व शान के लिए है, और तुम जैसे भेड़ियों को जेल तक पहुंचाने के लिए तुम्हें बाप कहते हुए शर्म आती है? ऐसे बाप पर मैं यहां पर कुछ सुनने के लिए नहीं आया हूं। बीर सिंह, एक मामूली सी वर्दी पाने के बाद, एक खाकी की मामूली वर्दी पा क्या गया, दुनिया को मुट्ठी में ले लिया। अरे याद कर,
तेरी माँ तुझे जन्म देने के बाद भगवान को प्यारी हो गई थी, क्या तुझे मैंने पाला नहीं, तेरा पालन पोषण नहीं किया, तुझे पढ़ाया नहीं, कमीने, आज अपने बाप के हाथ में हथकड़ी डालने आया, ले चल हम लोग जेल चलने के लिए तैयार। बाप कौन बाप और किसका बेटा यहाँ पर? यहाँ पर एक कानून से बात करो, और तुम इस समय एक मुलजिम हो, मैं जितना कहता हूं उतना ध्यान से सुनो। बीर सिंह, मैं जितना कहना चाहता हूं उतना ध्यान से सुनो, मैं यहां पर तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आया हूं। और जेल चलने की फौरन और तैयारी करो, सुन रहे हो मेरी बात? और जेल चलने की फौरन और तैयारी करो, पारी करो ना अपारी करो। सब कहिए और नहीं तुम चुपा, पहल लो इसे, चल प्यारे है करजे और पहल लो इसे, सुन ले आया यहां पर बकवास में। तुम मेरा लौंडा ना अगर होता, अगर मेरा लौंडा ना होता क्या करते? तो कसम भगवान की तेरे कंधे पे चमकते सितारे इसे लोग के सामने क्या बोस? अगर आज तुम्हारा खून हमारी रगों में नहीं तोड़ता होता तो आज वीर सिंह क्या करता साथ तुम्हें भी नहीं मालूम। वीर सिंह समुद्र में मुट्ठी भर चीनी डालने से नमक कम नहीं होता। अब तुम मेरा लौंडा नहीं, मेरा दुश्मन है दुश्मन, ले चल जेल में, देखता हूं ऐसी कौन सी कारागार जेल बनी है जिसमें ठाकुर भूपिंदर सिंह को 24 घंटे चौकीदार रे चौकीदार बांध दो इस खंभे में। भतीजे कौन भतीजा? देखो भतीजे कौन भतीजा कौन चाचा? तुम जैसे भेड़िया अगर इस समाज में रहेंगे तो इस समाज खोखला हो जाएगा। तुम जैसे इंसान को धरती पर रहना अच्छा नहीं है। भतीजे आके बात बताई, बोल मरी हो नहीं क्या कहना चाहता है? जो कहूं धोखे मार दे हो क्या करेगा? तब बुआ माता रे शबार, तू क्या समझता है? तू क्या समझता है कानून के हाथ से तू बच जाएगा? शायद तुझे यह भी बाले भरा चाहिए कि कोई भी बोझ में इतनी आसानी से जुर्म कबूल नहीं करता है जब तक उसके साथ में उल्टी नहीं करनी होती है। शबार
ढोल बताएगा नहीं बताएगा। तुम लोगों के पास कौन ऐसी मजबूरी थी जो तूने बड़े बाप का खून करने पर मजबूर हो गई? बोल। अरे पारम के वारे देश दे बुआ चलवाए थे भैया। सुनो एक बात बताई बताए दे, यह जौन आज वर्दी पहिंदे घूमत तो जान तो हमारे है वजह ते पहिंदे घूमत बहुत सारी तुम्हारे बाप कंगाल रहा करो कब गोली चौकीदार जाओ इसे खोल कर लेकर आओ और इनकी शक्लों से हमें बहुत सख्त नफरत है। चौकीदार खोल लाओ उसे। समर समर मेरी बात ध्यान से सुनो मास्टर। चौकीदार तुम दाल तो हाथ में और अंतरी पेड़िया दाल तो हाथ में जल्द से जल्द थाने से ले चलो बाकी का काम पूरा और करूंगा वही इसकी सूरत से होती है नफरत मुझे ताल तो हाथ में चौकीदार उरे चौकीदार चलो मेरे साथ। क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? चलो देर से लेकिन एक बार याद कर लो। वह कौन सी बात? अरे ये भूपेंद्र सिंह ठाकुर तुझे कहीं का नहीं रखेगा कमीने क्योंकि किसी न किसी दिन ये वर्दी जब तेरा साथ छोड़ देगी वर्दी तेरा साथ छोड़ देगी कहने का मतलब साले डेट से आउट हो जाओगे। अरे तुझे गली गली सुई न बेचवा दिया तो मेरा नाम भूपेंद्र से इसके सिवा तुम लोग कह भी क्या सकते हो? शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम जैसा जवान अगर आज शहीद हो जाएगा तो इस धरती पर कोई भी जवान बाकी और भी बाकी है। अगर हम चले जाएंगे तो कोई दूसरा आएगा, अगर वो चला जाएगा तो तीसरा आएगा। कानून कभी कम नहीं होगा। एक बात बताई। अरे सुनो यह कि मारे कहते ना लौंडव के ज्यादा पढ़ायो लिखायो ना अपन ही तना गुंडा बनावा जाए बड़ा पैगा हॉस्टल के साथ बनाए देहो पुलिस पिस्तौल। शी मैं क्या सुन रहा हूं? बीर सिंह ठाकुर भूपेंद्र और समर सिंह को अरेस्ट कर चुका है और अगर मैं उसके सामने जाता हूं तो वहां पर बहुत सारी पुलिस फोर्स हो सकती है, इसलिए मुझे डाकू तूफान सिंह की शरण में जाना चाहिए क्योंकि और कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है और हमने सुना है डाकू तूफान सिंह गरीब और मजलूमों की मदद करता है। मैं उसके अड्डे पे जाऊंगा और उससे मदद मांगूंगा क्योंकि अगर ये दोनों हरामजादे जेल में पहुंच गए तो मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाऊंगा, मुझे जाना होगा। अरे ऊपर वाले तुम मेरे साथ इतनी नाइंसाफी नहीं कर सकता, हर हाल में मुझे ठाकुर भूपेंद्र और समर सिंह को सजा देनी है। आ रहा हूं मैं तूफान सिंह, पता नहीं ऐसी कौन सी हमसे भूल हो गई। अरे ये किस जन का पाप है जो मुझे इतने दुख दर्द झेलने पड़ रहे हैं और हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका हुई हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका हुई अब तो चारों ही तरफ बंद है
जा।